हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइपराइटर पुशअप के बारे में, हिंदू पुशअप और शोल्डर टैप पुशअप के बारे में। और ये एक्सरसाइज किस मसल ग्रुप को टारगेट करेगी और इस एक्सरसाइज के कितने सेट लेने हैं, ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसका नाम है टाइपराइटर पुशअप। ये एक्सरसाइज हमारी चेस्ट मसल और अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है और ये ट्राइसेप्स पे भी काम करती है, शोल्डर मसल को भी टारगेट करती है। एक्सरसाइज के हमको तीन सेट लेने हैं, 15-15 रैप के आप तीन सेट ले सकते हैं। और ध्यान रखना, इस एक्सरसाइज में आपको पोजीशन सेम रखनी है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका नाम है हिंदू पुशअप। ये एक्सरसाइज भी हमारी अपर बॉडी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। ये चेस्ट मसल, ट्राइसेप्स मसल और बाइसेप्स मसल और शोल्डर और कोर मसल को टारगेट करती है। इस एक्सरसाइज के भी हमको तीन सेट लेने हैं, 15-15 रैप के आप तीन सेट ले सकते हैं। और आपको पोजीशन सेम ही रखनी है जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। और ये हिंदू पुशअप बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। अगर किसको अपना एब्डोमेन, अगर आपको बेली फेट कम करना है तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म जरूर करें। और हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका नाम है शोल्डर टैप पुशअप। ये एक्सरसाइज भी हमारी चेस्ट मसल, शोल्डर मसल और ट्राइसेप्स मसल को टारगेट करती है और कोर मसल को भी टारगेट करती है। और इस एक्सरसाइज के भी हमको तीन सेट लेने हैं, 15-15 रैप के आप तीन सेट ले सकते हैं। और इस एक्सरसाइज में भी पोजिशन आपको सेम रखनी है जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। और हमारे द्वारा जो जानकारी अगर आपको दी जा रही है, अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें।